मुझे पंजाब हारने का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट रहा। मतलब उसने मुझे हिला दिया, मतलब उसने मुझे चेंज कर दिया पूरी तरह से। क्या चेंज हुआ था? आई थिंक प्रोबेबली अगर कोई मुझे 2016 में मिला होता और 2020 में, मुझे लगता है कि वो कई बार मुझे मेरे आचरण से पहचान नहीं पाएगा। मैं आज मतलब मुझे लगता है मैं बहुत ठंडा हो गया बिल्कुल एकदम। मतलब उससे पहले मैं बहुत या कर देंगे, जीतेंगे, ये करें। अब मुझसे कोई पूछे कि आप चुनाव जीतोगे, मैं 50 बार सोचता हूँ कि पहले कैलकुलेशन कर ले, पहले डेटा देख ले, पहले। उस समय शायद इतना, उस समय एक आइडियलिज्म कोर में था कि बदलना है चीज़ों को। आज शायद थोड़ा सा वो बहुत कैलकुलेटिव हो गया। दूसरा कि हार और जीत के बाद जिस तरह से लोगों का रिएक्शन होता है, कई बार वो भी आपको तोड़ देता है। कई बार लोग इतनी ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं आपके बारे में, आप ख़त्म से हो जाते हो अंदर से। मुझे ध्यान है मैं पंजाब चुनाव जब हारा तो लोगों ने बहुत सारे चीज़ें, गंदी गंदी बातें बोली कि मैंने पैसे खा लिए, मैं ये करता था। तो मुझे शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक दिन फ़ोन किया और रोने लगी फ़ोन पे, बोली तू ये कर क्या रहा है और तू ये क्या काम कर रहा है, तू लोग तुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं उस दिन मुझे लगा कि मैं मतलब कि यार ये क्या हो गया। मतलब उस दिन गुस्सा भी आया कि जिन लोगों ने मुझे इतनी गंदी गंदी बातें बोली उनके साथ बदला लिया जाए, उनको जाके मारूं। फिर ये लगा यार मैं अकेला कहाँ से जाके सबको मार सकता हूँ। मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे मतलब हिला दिया। मुझे अपने बारे में इतनी वाहियात वाहियात बातें लोगों ने बोली मेरे बारे में, मैं मतलब मुझे लगता है कि मतलब मैं एकदम टूट गया पूरी तरह से। मतलब अंदर से मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। मैं मतलब मुझे छोटे से अगर आप एक वार्ड की में काम करने के लिए भेज दें तो मुझे डर लगने लग जाता था कि यार मैं इस वार्ड का काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता था यार कि बहुत अजीब हो गया। मुझे लगता था मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ, मैं बिल्कुल ही गधा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मतलब मेरा जो अंदर का वो एक होता है, एक जो भी कह लो आप उसको, टैलेंट कह लो, जो भी कह लो, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया पूरी तरह से। और अच्छा ये रहा कि मैं कुछ दिनों के बाद चला गया स्टैनफोर्ड, वहाँ जाके मिला, कुछ नए परिवेश मिले, कुछ नए लोगों से कुछ ये रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो शायद धीरे 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 थोड़ी सी वो रीगेन हुई, फिर वापस आए। वापस आने का मन भी नहीं था, मुझे लगा यार इतने घटिया लोगों के लिए क्यों काम करना, इतनी गंदी गंदी बात। मेरा मन भी नहीं था आने का, मैं तो सोचा था कि बस हो गया, जितना पॉलिटिक्स करना था कर लिया। फिर वहाँ गए, वहाँ जब सड़कों पर चलते थे लगता था यार अपना ये देश ही नहीं है, ये तो किसी दूसरे देश में आ गए। यहाँ कोई अपनी, मतलब ये हम क्यों किसी दूसरे के लिए करें, ये तो अपना देश ही नहीं है। तो ये हर मिनट आता था कि अपना देश नहीं है, अपना देश नहीं है, अपने लोग नहीं हैं। तो फिर शायद 1.5 महीने 2.5 महीने में वो जो जो प्रॉब्लम थी वो उससे सॉर्ट आउट किए, उससे लड़े, उससे निकले और फिर वापस आने का प्लान किया। अब इसके बाद मैं अगर आम आदमी पार्टी में हूँ, मैं अरविंद जी की साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं एक देश बदलने का एक मौका मिल सकता है जो शायद बाहर रह के नहीं कर सकता था, जो शायद किसी दूसरे देश में। अपनी ज़िंदगी तो काट लेते कुछ काम वाम धाम करके, लेकिन शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वापस आऊँगा।